तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों। देखिए, 65 का 40 बाय 60 प्लस 95 का क्वेश्चन 83, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए तो 65 गुने 40 बाय 100 प्लस 95 गुने, ठीक है, क्वेश्चन इक्वल टू 83, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप इसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। फिर ये 5 से कट, 5 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। फिर ये आप काटिए दोस्तों, ये देखिए 5 का 5, या फिर 3 तो 5 दिया 15, 13 5 65, 13 गुने 2 प्लस 95, ठीक है दोस्तों, का क्वेश्चन 95 का क्वेश्चन परसेंट इक्वल टू 83। 13 दूनी 26, ठीक है दोस्तों, आपको 13 दूनी 26 हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 83 है और ये क्वेश्चन ये मार्क है, तब 83 को परसेंट में है, तो का 95 का क्वेश्चन है तो 100, ठीक है दोस्तों, तो 100 है गुने, ठीक है, 83, तो ये हो गया 19 पचे, और ये 20 पचे, ठीक है, तो आपको हो गया 26, ठीक है दोस्तों, 26 प्लस 19 बटा 20, ठीक है, इक्वल टू 83, ठीक है। आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों कि अगर 83 है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखिए 26 प्लस 19 गुने 83 है, तो आप यहाँ पर पहले इन सौ इसको डिवाइड करने, माइनस करने का कोशिश करिए 26, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी 20 बाई 19, ठीक है। तो आप इनको देखिए, 26 को माइनस करिएगा इनसे, यहाँ पर आ जाएगा आपको 7, ठीक है दोस्तों, 13 में से 7, और ये हो गया 6, ये हो गया 7 में से, ये 2 गया तो 5 गुने 20 बटा 19 हो जाएगा दोस्तों, 19 दिया, ये हो गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है दोस्तों, यानी 60 आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत ही बेहतर प्रूफ आप इसमें देख सकते हैं, 60 आपका फर्स्ट पे ही है, यानी आपका ये देखिए दोस्तों 60 इस पर है, अब देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रूफ सवाल था। आप यहाँ पर नेक्स्ट पे जाइएगा तो ये देखिए दोस्तों 60 यहाँ आ गया। तो हमारे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। कहता है क्वेश्चन का 20% बाई √225 प्लस 45, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए 225 का ये है रूट में है, ठीक है दोस्तों, 45, आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है का 20 है परसेंट पहले, और ये 225 का रूट कितना है दोस्तों, 225 है, चलिए लिख दिए 45, ठीक है। तो आप इसे दोस्तों कर सकते हैं, 20 का 100 कर सकते हैं, ठीक, और ये हो गया 15, ठीक है दोस्तों, प्लस 45, तो ये हो गया 20 बाई 60, ठीक है दोस्तों। तो आप ये 15 प्लस 45 हो गया, और ये 20, तो आप कर सकते हैं, इधर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 है तो ये 45, यानी 20 का, तो 20 पच्चीस 100, ये कट ही सकता है दोस्तों, मान लिया आप इसे काट ही दीजिए, ठीक है, लेकिन करते हैं दोस्तों 20, ठीक है, 20 का 45 गुने 100, तो 20 हो गया 15, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, 20 बाय 100 है, ठीक है, गुने 60, ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 बाय 15 है, यहाँ पर आप 60 कर सकते हैं, तो आप करके देखते हैं दोस्तों, 15, तो यहाँ पर 60 बाई क्रॉस करते हैं 20 गुने 100, ठीक है, तो आप 20 दिया, यहाँ पर 60, यानी 300 आप आंसर को कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पूर्वक से था, यानी सेकंड का आपका आंसर हो गया दोस्तों। मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा दोस्तों कि कोई भी वर्ड आपका छूटे ना, तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं दोस्तों।